हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अच्छा, कहाँ थे यार तुम सब लोग इतने अरसे से? गायब ही थे। सर, हमने किसी को बताया था कि हमें बात की समझ नहीं आती क्लास में जी, तो फिर उसने हमें बताया कि भाई जी आपका दिमाग ही हाजिर नहीं होता क्लास में, आप में टेक्निकल फॉल्ट है। फिर हम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए थे जी। उन्होंने भी फिर इतनी देर के बाद जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी आपकी मरम्मत हमसे नहीं हो सकती, दफा हो जाइए। सर मैं फिलासफर बनना चाहता हूँ सर। पहले बंदे का पुत्र तो मान, तुम्हारा टेक्निकल फॉल्ट मैं ही दूर करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सर इंशाल्लाह आइंदा छुट्टी नहीं होगी जी। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे जी, हर मुल्क के कुछ कौमी निशान होते हैं जी, जी। जैसे उस मुल्क का कौमी तराना, उस मुल्क का कौमी शख्सियत, उस मुल्क का कौमी खेल, उस मुल्क का कौमी जानवर। तो आज हम वतन अजीज के ये जो कौमी निशान है, नेशनल सिंबल्स है, ये डिस्कस करेंगे। सर, मेरे एक कजन के तो कमर के ऊपर चांद ग्रहण का भी निशान था। मैं कौमी निशान की बात कर रहा हूं। ओके सर। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? चील। वो कैसे यार? सर जी देखिए ना, चील गोश्त बेचने वाले कितने घूम रहे हैं, कितने फिर रहे हैं, इसका मतलब है कि चील की बड़ी अहमियत है। तो हमारा कौमी निशान चील है। नहीं सर, एक कां सर, कां कवा कैसे यार? सर कां की बड़ी अहमियत है सर, उस पर तो गाने भी बने हुए, उड़ कोठे उतो कावा रे। सर मेरा ख्याल है हमारा कौमी परिंदा जो है वो तोता है। वो कैसे? सर हर दूजे घर का बुआ खोल के वेख लवो, उसे तोता जरूर होएगा। और कम से कम तुहाडा बुआ तो खोल के जरूर देख रहे थे, जिन्हें तुहाडे कोल तोते ने, कौमी परिंदा साडा तोता ही होना। सर जी हमारा कौमी परिंदा है चरगा। यानी जिस परिंदे का भी चरगा बन जाए ना जी, उसे कौमी परिंदा समझ रहे। सर इस स्टूडेंट की सोच पेट से आगे है। सर जी हमारा कौमी परिंदा चिड़िया है। तो ये कुजरा वाला में सीखों के ऊपर हमारे कौमी परिंदे चढ़े हो? कौमी परिंदों के शौहर चिड़े चढ़े हो? नहीं सर, बीच में चिड़िया भी होती है। भाई लोग जब वहां पे सीख पे चढ़ाते हैं ना, तो शिनाख्ती कार्ड भी चढ़ाते हैं। और भाई पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। चकोर। कहता रहा हूं ना आप लोगों को असेंबली में भी कि हमारा कौमी परिंदा चकोर है। सर ये चकोर जो है, ये चकोर होता है? इंतहाई खूबसूरत परिंदा है चकोर यार। इस वक्त तुम्हें स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। सर मैं तो स्क्रीन के अंदर बैठा हूं, मुझे नहीं नजर आ रहा। चलो सुबह 9 बजे देख लेना। ओके सर, यानी 9 बजे तक करके सी नलायक ही रहे। अच्छा जी, अगला सवाल ये है, पाकिस्तान का कौमी फल क्या है? सर जो आप अफोर्ड करते हैं, क्योंकि सर फल इतना महंगा है कि कौमी फल तो वही होगा जो बंदा अफोर्ड कर सके। लो फिर इस हिसाब से तो हमारा कौमी फल बेर हुआ। सर हम बचपन में हम सायों की दीवार पे चढ़ के बड़े कौमी फल तोड़ा करते। ओ जाहलो, हमारा कौमी फल लसूड़ा है। वो कैसे? सर वाहद एक फल है लसूड़ा, जो हर घर में पाया जाता है, बिशक अचार में हो। ओफो सर जी, ये तो सारे पढ़े लिखे जाहिल लग रहे हैं मुझे। हमारा कौमी फल है शतूत। वैसे एरम तुमने तो हाथ ही कर दी है। ये छाबड़ी वाले क्या गली में हमारे कौमी फल की आवाज लगा रहे होते हैं? एक कौमी फल जलेबा ठंडा ठा रहे। सर जी जितने जितने हर घर में बच्चे हैं ना जी, हमारा कौमी फल है दुआना। एक दुआना ले आओ तो सारे बच्चे रज जाते हैं। मैंने कहा शायद कहने लगा जितने जितने हमारे हर घर में बच्चे हैं ना जी, हमारा कौमी फल है अब्बा। पाकिस्तान का कौमी फल है आम। और आम पाकिस्तान का ऐसा कौमी निशान है, बल्कि कहना चाहिए वाहिद कौमी निशान है, जिस पर पाकिस्तान की हुक्मरानी भी है। सर वजाहत कर दे, यारा कौमी फल हमारा चौंसा है या लंगड़ा है? सारे आम यार। सर जी मुझे पता था, मैं भूल गया था। चूंकि गर्मियां नहीं ना ले आई हैं, इसको भूल गया। अच्छा जी आप बताएं, पाकिस्तान का कौमी मशरूब क्या है? सर सत्तू।
नहीं शक्कर कोला जी नहीं सर, हमारा कौमी मशरूब वो है जिससे तड़ा तड़ सारी कौम को हाइपाटाइटिस हो रहा है। कौन सा? गंदा पानी। नहीं गंदा पानी तो नहीं है, लेकिन ये जो हेपेटाइटिस वाली बात है ये किसी हद तक ठीक है कि हम अपना कौमी मशरूब पी के बड़ी तादाद में हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे हैं। और हमारा कौमी मशरूब है गन्ने का रस यानी रो। जिथे रो राजी रो। अच्छा सर, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि कौमी मशरूब में अगर अदरक और नींबू भी डाल लिया जाए तो फिर वह ज्यादा अच्छा कौमी मशरूब है। यार मैं हिकमत नहीं सिखा रहा, कौमी निशानात बता रहा हूँ। कौमी मशरूब हमारा है रो, गन्ने का रस भी उसे आप कह सकते हैं। अच्छा ये कौमी फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। आप बताएं जी। गोभी का फूल सर। जी सर जी, जे में छोटा गोश्त पाया हुए। सर मैंने आपको बताया ना, इस स्टूडेंट का दिमाग पेट में है। अच्छा तुम बताओ भाई। बताओ यार, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ कौमी फूल कौन सा? उनको पता है कि इसको तो पता ही है, वो आप लोगों से पूछ। बताओ ना कौमी फूल। हाँ जी सर, हमारा कौमी फूल वो है जो वैलेंटाइन डे पे आपको कोई लड़की पेश करे। खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान का कौमी फूल है गुले यास्मीन। हाँ। जैस्मीन। देखा मैंने सर इनको बताया था कि हमारा कौमी फूल जो है ये फिल्म स्टार यास्मीन है। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्ब-ए-हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। कहाँ थे यार तुम सब लोग इतने अरसे से? गायब ही थे सर। हमने किसी को बताया था कि हमें बात की समझ नहीं आती क्लास में जी, तो फिर उसने हमें बताया कि भाई जी आपका दिमाग ही हाजिर नहीं होता क्लास में, आप में टेक्निकल फॉल्ट है। फिर हम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए थे जी। उन्होंने भी फिर इतनी देर के बाद जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी आपकी मरम्मत हमसे नहीं हो सकती, दफा हो जाइए। सर मैं फिलॉसफर बनना चाहता हूँ सर। पहले बंदे का पुत्र तो मान। तुम्हारा टेक्निकल फॉल्ट मैं ही दूर करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सर इंशाल्लाह आइंदा छुट्टी नहीं होगी जी। अच्छा आज हम डिस्कस करेंगे जी, हर मुल्क के कुछ कौमी निशान होते हैं जी, जी। जैसे उस मुल्क का कौमी तराना, उस मुल्क का कौमी शख्सियत, उस मुल्क का कौमी खेल, उस मुल्क का कौमी जानवर। तो आज हम वतन अजीज के ये जो कौमी निशान है, नेशनल सिंबल्स है, ये डिस्कस करेंगे। मेरे एक कजन के तो कमर के ऊपर चांद ग्रहण का भी निशान था। मैं कौमी निशान की बात कर रहा हूं। ओके सर। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? चील। वो कैसे यार? सर जी देखिए ना, चील गोश्त बेचने वाले कितने घूम रहे हैं, कितने फिर रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि चील की बड़ी अहमियत है, तो हमारा कौमी निशान चील है। नहीं सर, कहां सर कहां? कावा कैसे यार? सर कहां की बड़ी अहमियत है सर, उस पर तो गाने भी बने हुए। उड़ कोठे उतो कावा रे। सर मेरा ख्याल है हमारा कौमी परिंदा जो है वो तोता है। वो कैसे सर? हर दूजे घर का बुआ खोल के वेख लवो, उत्थे तोता जरूर होएगा। और कम से कम तुहाडा बुआ तो खोल के जरूर देख रहे थे, जिन्हें तुहाडे कोल तोते ने कौमी परिंदा साडा तोता ही होना। सर जी हमारा कौमी परिंदा है चरगा। यानी जिस परिंदे का भी चरगा बन जाए ना जी, ये उसे कौमी परिंदा समझ। सर इस स्टूडेंट की सोच पेट से आगे है। सर जी हमारा कौमी परिंदा चिड़िया है। तो ये कुजरा वाला में सीखों के ऊपर हमारे कौमी परिंदे चढ़े हो? कौमी परिंदों के शौहर चिड़े चढ़े हो? नहीं सर, बीच में चिड़िया भी होती है। और भाई लोग जब वहां पे सीख पे चढ़ाते हैं ना, तो शिनाती कार्ड भी चढ़ाते हैं। और भाई पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। चकोर। ओ कहता रहा हूं ना आप लोगों को असेंबली में भी कि हमारा कौमी परिंदा चकोर है। ये चकोर जो है ये चकोर होता है। इंतहाई खूबसूरत परिंदा है चकोर यार। इस वक्त तुम्हें स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। सर मैं तो स्क्रीन के अंदर बैठा हूँ, मुझे नहीं नजर आ रहा। चलो सुबह 9 बजे देख लेना। ओके सर, यानी 9 बजे तक करते सी नलायक ही रहे। अच्छा जी अगला सवाल ये है,
पाकिस्तान का कौमी फल क्या है सर? जो आप अफोर्ड करते हैं, क्योंकि सर फल इतना महंगा है कि कौमी फल तो वही होगा जो बंदा अफोर्ड कर सके। लो फिर इस हिसाब से तो हमारा कौमी फल बेर हुआ। सर हम बचपन में हम सायों की दीवार पे चढ़ के बड़े कौमी फल तोड़ा करते हैं। ओ जाहलो, हमारा कौमी फल लसूड़ा है, है? वो कैसे? सर वाहद एक फल है लसूड़ा जो हर घर में पाया जाता है, बिशक अचार में हो। ओफो सर जी, ये तो सारे पढ़े लिखे जाहिल लग रहे हैं मुझे। हमारा कौमी फल है शतूत। वैसे एरम तुमने तो हाथ ही कर दी है। ये छाबड़ी वाले क्या गली में हमारे कौमी फल की आवाज लगा रहे होते हैं? एक कौमी फल जलेबा ठंडा ठा रहे। सर जी, जितने जितने हर घर में बच्चे हैं ना जी, हमारा कौमी फल है दुआना। एक दुआना लियाओ तो सारे बच्चे रज जाते हैं। मैंने कहा शायद कहने लगा जितने जितने हमारे हर घर में बच्चे हैं ना जी, हमारा कौमी फल है अब्बा। पाकिस्तान का कौमी फल है आम, और आम पाकिस्तान का ऐसा कौमी निशान है, बल्कि कहना चाहिए वाहिद कौमी निशान है जिस पर पाकिस्तान की हुक्मरानी भी है। सर वजाहत कर दे, यार कौमी फल हमारा चौंसा है या लंगड़ा है? सारे आम यार। सर जी मुझे पता था, मैं भूल गया था, चूंकि गर्मियां नहीं ना ले आई हैं, इसी गल भूल गया। अच्छा जी, आप बताए पाकिस्तान का कौमी मशरूब क्या है? सर सत्तू। नहीं, शक्कर कोला जी। नहीं सर, हमारा कौमी मशरूब वो है जिससे तड़ा तड़ सारी कौम को हाइपेटाइटिस हो रहा है। कौन सा? गंदा पानी। नहीं, गंदा पानी तो नहीं है, लेकिन ये हेपेटाइटिस वाली बात है, ये किसी हद तक ठीक है कि हम अपना कौमी मशरूब पी के बड़ी तादाद में हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे हैं। और हमारा कौमी मशरूब है गन्ने का रस, यानी रो। जिसे रो राजी रो। अच्छा सर, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि कौमी मशरूब में अगर अदरक और नींबू भी डाल लिया जाए तो फिर वह ज्यादा अच्छा कौमी मशरूब हो जाए। यार मैं हिकमत नहीं सिखा रहा, कौमी निशानात बता रहा हूँ। कौमी मशरूब हमारा है रो, गन्ने का रस भी उसे आप कह सकते हैं। अच्छा जी, कौमी फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। आप बताए जी। गोभी का फूल सर। जी सर जी, जे में छोटा गोश्त पाया हुए थे। सर मैंने आपको बताया ना, इस स्टूडेंट का दिमाग पेट में है। अच्छा तुम बताओ भाई। बताओ यार, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ कौमी फूल कौन सा? उनको पता है कि इसको तो पता ही है, वो आप लोगों से पूछ रहे। बताओ ना कौमी फूल। हाँ जी सर, हमारा कौमी फूल वो है जो वैलेंटाइन डे पे आपको कोई लड़की पेश करे। खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान का कौमी फूल है गुले यास्मीन। हाँ। जैस्मीन। देखा मैंने सर, इनको बताया था कि हमारा कौमी फूल जो है ये फिल्म स्टार यास्मीन है। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्ब-ए-हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।